अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मीर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 2:30 बज रहे हैं आई थिंक दोपहर के, और इस वक्त मैंने मेहंदी लगवाई है। कज़न को बुलवाया था, पुप्पू की बेटी को, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से मेहंदी लगाती है। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इंस्टाग्राम पे उसका पेज है और यूट्यूब पे भी चैनल है, तो दोनों चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही प्यारी खूबसूरत मेहंदी उसने मेरे लगाई है, ये वाले हाथ पे भी लगवाई है मैंने, और पाँव की मेहंदी भी बहुत ही प्यारी लगाई है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से। तो आज जो है वो हस्बैंड लेने आ रहे हैं, और फिर देखें हम आज जो है वो थर्सडे है, और फिर हम जाएंगे घर सैटरडे या संडे तक। तो पैकिंग मैंने तकरीबन कर ली, और आपको पता है पैकिंग तो चलती ही रहती है एंड टाइम तक हमें कुछ ना कुछ रखना होता है। अब जब किसी दिन मैं ख़ुद अपने मेहंदी लगाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेहंदी लगाते हुए। मतलब बहुत पहले मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब जो है वो पता नहीं, अब बहुत स्लो हो गया है हाथ लगाते लगाते, बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। खैर, लेकिन आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसी मेहंदी लगाती हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कि मैं भी एक्सपर्ट हूँ या बस एम ही। तो देखिए, मेरी मेहंदी जो है वो सूख गई थी, तो मैंने वॉश कर ली। कलर बहुत ही प्यारा आया है, ये वाला डिज़ाइन जो मैंने लगवाया ना, बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग भी लगवा के ना ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, मुझे एक बात याद आई, वो मुझे आपको बतानी थी कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अब जो है वो जल्द ही मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें आपको बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने सिलवाए हैं बहुत सारे ड्रेसेस, तो काफ़ी जो है मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी, तो इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो फ़ौरन से झट से फट से आपके पास पहुँच जाए और आप लोग देख लें, और जो है वो चीटिंग कर लें मेरी डिज़ाइनिंग की। जस्ट किडिंग, यानी आप लोगों को भी अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिल जाएँ कि आप लोग भी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करवा लें अपने ईद के ड्रेसेस की। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी ना रात का टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे, साथ में मेरी जो है वो मदर इन लॉ भी आई थी, और हमने खाना वाना लगाया है यहाँ पे, और जो है हम सब ने खाना खाया। उसके बाद फिर मैं नंद की तरफ चली गई, क्योंकि हमें थोड़ी सी प्लानिंग्स करनी थी, हम नेक्स्ट डे पिकनिक पे जा रहे थे। ये भी बता दूँ, दोबारा से क्लियर कर दूँ कि ये व्लॉग जो है वो थर्सडे का है, और आज जो है 15 मार्च है, मैं आज के दिन व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और ये भी बता दूँ कि मैं मीरपुर खास वापस आ चुकी हूँ, तो जो भी व्लॉग्स रिमेनिंग हैं वो सारे अब मैं अपलोड करूँगी, और पिकनिक का व्लॉग भी इंशाल्लाह आप लोग देखने वाले हैं बड़े मज़े का। ये छोटा सा व्लॉग जो है जस्ट फॉर अपडेट के लिए था, कि मतलब अब हस्बैंड लेने आ गए हैं, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अपडेट दे रही थी मैं आपको। तो अब जो है हम लोग वहाँ पे हमने आइसक्रीम भी खाई, अल्पाइन की आइसक्रीम, आपको पता है कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। उसके बाद जो है वो आइसक्रीम वगैरह खाई हम लोगों ने, सारी चीज़ें प्लान करी कि क्या पका के लेके जाना है। हमने सोचा चलो घर से ही पका के लेके जाएंगे, और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको व्लॉग देख के ही नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। अच्छा, आप एक्साइटेड हैं? हाँ, आपको मज़ा आएगा बहुत। अभी आप क्या कर रहे हैं? मिल्क पी रहे हैं। आपने दुआ पढ़ी? तो इस वक्त मैं कर रही थी पैकिंग नेक्स्ट डे के लिए, और पिकनिक पे जाने के लिए बच्चों के कपड़े वगैरह रखने, जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो रखनी थी वो रख रही थी। अच्छा, इस वीडियो में पता नहीं क्यों डिस्प्ले जो है वो उसका रेशो सही नहीं हो पा रहा, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो आप लोग इस छोटी से डिस्प्ले में भी जो है एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी, पता नहीं अपलोड करने के बाद हो सकता है ठीक हो जाए, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। एनीवेज़, तो मैं इस वक्त जो है वो फ़ैन
ऑन है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी यही नोट किया था कि बहुत ज़्यादा पीछे से शोर की आवाज़ आ रही है, तो वो फ़ैन की ही है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करूँगी कि फ़ैन जो है वो ऑफ़ करके और एसी को जो है ना ऑन करके फिर करूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है यार। बगैर जो है वो पंखे के जो है वो नहीं कर सकती वॉइस ओवर, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। आई थिंक सो आप लोग भी इरिटेट हो रहे हों, अगर होने तो बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि बहुत अमेजिंग व्लॉग होने वाला है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।